अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे सिंधी दाल माश। ये बहुत सिंपल तरीके से बनाई जा सकती है। इसका थोड़ा सा तरीका कट डिफरेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस। दाल माश बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हल्दी पाउडर चाहिए, नमक चाहिए, ज़ीरा चाहिए, कलवंजी चाहिए, अजवाइन चाहिए और सुर्ख मिर्च पाउडर चाहिए। आपको कुछ कश्मीरी मिर्चें चाहिए, एक अदद बड़ा कटा हुआ प्याज चाहिए, अदरक लहसुन के पेस्ट का एक अदद क्यूब चाहिए, कुछ आपको थोड़ा सा अदरक चाहिए और आपको थोड़ा सा धनिया चाहिए और हाफ कप दही चाहिए आपको और साथ में आपको ऑयल चाहिए। दाल हमने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। तो जनाब, दाल माश को हम बॉयल कर लेंगे पानी के अंदर। तकरीबन आधा घंटा इसको बॉयल करना है। इसको हमने हाफ बॉयल करना है बिल्कुल। इसको बॉयल करते साथ साथ जो हल्दी पाउडर था इसमें आपने डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। हल्दी पाउडर डाल के इसको आपने हाफ बॉयल करना है प्रॉपर तरीके से। इसको सारा नहीं गलाना है। इसको जब आपको लगे कि आपकी दाल हाफ बॉयल हो गई है, इस हालत में आ गई है, तो आप इसको उतार लें। आपने अपनी बॉयल हुई दाल को स्ट्रेनर में इस तरह छान लेना है। ऑयल हमने बर्तन में गर्म कर लिया है। इट्स अप टू यू कि आप कितना ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। ऑयल गर्म करने के बाद सबसे पहले हम कलवंजी, ज़ीरा और अजवाइन इसमें मिक्स करेंगे और इनको तकरीबन हाफ मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसके बाद, जब कलवंजी, अजवाइन और ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसमें प्याज ऐड कर दें। अब अदरक और लहसुन के क्यूब को ऐड कर दें। इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें मिर्चें, नमक और आमचूर पाउडर ऐड कर देना। अब कश्मीरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। जब आपको लगे कि आपका प्याज और मसाला लाइट ब्राउन होने लग गया और ये घी ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसमें आप दही डाल दें। दही डाल के आप तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह भूनें। जब इसके बुलबुले आने शुरू हो जाएं, तो फिर आप इसमें दाल ऐड कर दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसके अंदर दाल ऐड कर दें। दाल डालने के बाद आप इसके अंदर 1 कप पानी डालें। पानी डालने के बाद इसको आप हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। तो आपको नजर आए कि घी ऊपर आना शुरू हो गया, तो इसमें कटा हुआ अदरक डाल दें और थोड़ा धनिया डाल दें। आपकी सिंधी दाल माश बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देंगे। आपकी सिंधी दाल माश बिल्कुल रेडी है। इट लुक्स सो यम्मी एंड ब्यूटीफुल एंड स्मेल इज वेरी नाइस। घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को सलामत रखे। प्लीज़ मेरी माँ को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।